हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले हम मैट्रिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कोई वेरिएबल होता है, कोई कॉन्स्टेंट होता है या कोई भी चीज होती है, एक उसकी पर्टिकुलर हम वैल्यू निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स के देखे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन हम बोले कि उस मैट्रिक्स का आपको वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि सपोज करो ये ए है, ठीक है, ये आपके ए बी सी डी, ये आपने उसके एलिमेंट्स लिखे, लेकिन अब हमको बोलना है कि मैट्रिक्स ए की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हमें उसकी फिर डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ मैट्रिक्स। अब अगर हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है तो हम उसको कैसे शो करेंगे, या तो हम उसको इस तरीके से लिखें तो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है, या फिर हम इस तरीके से लिखें डी टी करते हैं हम और फिर हम ए लिखें तो हमको पता लगा सकते हैं हम डिटरमिनेंट्स क्या है। ये एक्सप्रेशन का तरीका है, चाहे आप इसको ऐसा लिख दें, चाहे आप डी टी ए करके लिख दें, या फिर आप इसको छोटा सा ऐसा ट्रायंगल बना दें। तो तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं तो वो तो आज के इस वीडियो में जो कि डिटरमिनेंट्स का है वो हम सीखेंगे कि कोई ऑर्डर ऑफ वन, मतलब ऑर्डर ऑफ वन का मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालना है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर ऑर्डर ऑफ टू, मतलब टू रोज और टू कॉलम है तो उसका हमको डिटरमिनेंट्स निकालना है, और फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ थ्री देखेंगे तो हमको कैसे निकालना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बताने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट्स हम उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसके लिए आपको मेरे को विषय अभी सुपरफिशियल में बता दूं, जिसमें सेम रोज हो सेम कॉलम हो। और अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के यहाँ पे जो लिंक आ रही है उसमें क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझना है कि डिटरमिनेंट्स हम उसी का निकाल सकते हैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब सेम रोज हो सेम कॉलम हो। तो अब हम शुरू करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स वन। तो जब आपके मैट्रिक्स में एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो तो जो आप उसकी वैल्यू लिख रहे हैं वही उसका डिटरमिनेंट्स होगा। जैसे मैंने यहां लिखा है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई वैल्यू ए लिखी है तो उसका डिटरमिनेंट्स भी ए होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिखा ए और उसके अंदर कोई वैल्यू है 10, और अगर मुझे कहा जा रहा है कि इसी के मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो फिर आप कैसे लिखोगे, ए लगाया दोनों तरफ बार लगाया और फिर क्या लिखा आपने 10, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स थी और यही इसका डिटरमिनेंट्स होगा तब जबकि मैट्रिक्स 1/1 की हो, ऑर्डर उसका 1 हो तब। लेकिन यदि मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की हो तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैसा करेंगे a11 a22 इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और लगाएंगे माइनस का साइन। हम यहां लिखेंगे a21, ठीक है, और a22। अगर हमको इसका निकालना है 2/2 का तो उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको कोई वैल्यू यहां मिली, जैसे हमने यहां लिखा 2 4 3 5, इस तरीके का आपको कोई एक मैट्रिक्स मिला। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस मैट्रिक्स का जो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो अभी अपन ने क्या देखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले अपन यहां लिख देंगे 2 × 5 और माइनस लगा के 3 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे अगर हम लिखे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं मैट्रिक्स को, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ ब्रैकेट छोटे कर लिए। अब देखिए 10 हो गया और माइनस 12 हो गया, तो आपको डिटरमिनेंट जो ए का निकला वो निकला आपका -2, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट समझते हैं कि अगर 3/3
का वो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डिटरमिनेंट हमें कैसे निकालना है। जैसे ये एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, एक मैंने जनरल फॉर्म में पहले अपन समझ रहे हैं, फिर अपन उसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जनरल फॉर्म बनाया है मैट्रिक्स का जो 3x3 का है। यहाँ मैंने इसमें एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर कर दिया, जैसे A11 है मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 है मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से। जैसे ये A22 है मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब इसको अगर आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है आपको, एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले एक की वैल्यू लेनी है हमको। तो जो हम जहां पर जो वैल्यू ले रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइन है जिस लाइन पर ये जो वैल्यू थी उसको हटा देंगे और इसका एक कॉलम हटा देंगे, और ये जो बची हुई जो वैल्यूज है उसमें हम उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि हमने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में किया था। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, A11, तो यहाँ पे मैंने लाइन रख दी, ये रख यहाँ पे एक लाइन रख दी, तो अब ये दोनों कट गए, अब मेरे पास इतना सिर्फ पोर्शन बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया वैसे ही A22 और मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A32 और मल्टीप्लाई बाय A जो है वो 23, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे और उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, ये प्लस लाइन था यहाँ माइनस साइन होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इस लाइन को ढक देंगे और इस लाइन को ढक देंगे, तो अब आपके पास क्या बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो जैसे हमने अभी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा A21, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय A33 माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A23। अभी अपन इसका एक एग्जांपल भी और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी यहाँ पर इसका सिर्फ जनरल फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपन चूंकि यहाँ पर माइनस लगाया था, अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, A13 लेंगे, इस रो को ढक देंगे और इसकी कॉलम को ढक देंगे, जो बचा है वो सिर्फ इतना पोर्शन अब बचा है। अब इसका वैसे करेंगे जैसे टू ऑर्डर मैट्रिक्स में किया था, तो हमने यहाँ लिखा A21 मल्टीप्लाई बाय A32, ठीक है, और माइनस A31 मल्टीप्लाई बाय A22, ठीक है। अब इसका अपन क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे जो जनरल फॉर्म समझाया उसका एग्जांपल से समझते हैं कि इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालना है। तो ये मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 3, 5, 1, 8, 7, 9, ठीक है। तो अब ये रूल क्या है इसका, कि पहले A11 आप निकाल लीजिए, तो ये आपने 2 यहाँ इसका निकाल लिया बाहर, अभी ब्रैकेट लगाया अंदर। अब इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ कट कर देना है और इसकी कॉलम जहां पे ये वैल्यू दोनों को कट कर देना, तब बचा कितना, ये पोर्शन बचा 5, 1, 7, 9। तो इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 5 × 9 किया माइनस 7 × 1 कर दिया, ठीक है। अब आगे के अपने एलिमेंट के लिए बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे अपने माइनस साइन लिखा। दूसरा क्या, A12 उठाएंगे, तो अपने A12 क्या है, 4 लिया, तो इसकी रो को आपको काटना है, तो इसकी रो कौन सी है, ये वाली आप पूरी रो काट देंगे, और इसका कॉलम काटना है तो ये इसका कॉलम काट देंगे। अब बचा क्या आपके पास, 3, 1, 8, 9। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3 × 9 किया अपन ने, माइनस लगाया 8 × 1 किया, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो प्लस किया, इस बार अपन ने प्लस 1, 3 निकाला, तो ये 6 लिया यहाँ से, आप 6 लिया तो ये आपका कॉलम यहाँ से कट गया इसकी, और इसकी जो रो थी वो ये कट गई, तो अब आपके पास एलिमेंट क्या बचा, 3, 5, 8, 7। अब 3, 5, 8, 7 में से क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो 3 × 7 यहाँ पे कर दिया, माइनस 8 × 5 किया आपने यहाँ पर, ठीक है, ये बचा था 3, 5, 8, 7, तो 3 × 7 यहाँ पर और 8 × 5 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब बस आपको इसके बाद कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 किया मैंने, ये 45 हो गया, माइनस 7 हो गया यहाँ पे, माइनस 4 यहाँ लिखा, 3 × 9 = 27 लिख लिया, माइनस 8 × 1 है तो माइनस 8 लिख लिया, प्लस 6 लिख लिया, 3 × 7 है तो 21 लिख लिया, 8 × 5 है तो 40 लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन ही है, इनको 45 में से माइनस 7 गया 38 बचा, इसी तरीके से ये अपन ने 27 में से 8 गया तो ये अपन ने यहाँ पे 19 लिख लिया, और यहाँ 21 में से 40 गया तो ये 19 लिख लिया। अब इसके बाद 2 × 38 और 76 आ गया, ये माइनस किया 19 × 4 है तो माइनस 76 आ गया, प्लस ये इसके बाद ये प्लस माइनस होके माइनस हो गया, इनका मल्टीप्लीकेशन किया 6 × 19 का तो 114 हो गया, जो माइनस माइनस थे वापस में एडिशन हो गया तो 190 हो गया, 76 में से 190 गया तो आपको 1 − 114 मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपको −114 मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें कि अपन ने देखा कि किस टाइप के मैट्रिक्स का अपन डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, फिर अपन ने ऑर्डर 1 का देखा, ऑर्डर 2 का देखा, ऑर्डर 3x3 का देखा, तो सारे अपन ने मैट्रिक्स यहाँ पर देखे।
तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।